हेलो एवरीवन, नीलम वेलकम्स यू एट द राइज ऑफ होप्स लर्नर्स। बी रेडी फॉर लिसनिंग अ स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग टुडे। आज हम एक स्टोरी के थ्रू सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जो फ्रेजल वर्ब से बने हुए हैं। चलिए आज सुनते हैं। मैं बताती हूँ आपको एक स्टोरी की। तीन दोस्त होते हैं, तीन पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में। उनके बिजनेस में थोड़ा सा घाटा हो जाता है, बिजनेस लॉस में चला जाता है। दो फ्रेंड्स आपस में बैठे हुए हैं और तीसरे के बारे में कह रहे हैं। तीसरा भी इन्वॉल्व है लेकिन वो शरीफ है और उन्हें लगता है कि एक ने दूसरे के साथ थोड़ा सा कुछ ठीक नहीं किया है, अच्छा नहीं हुआ है उसके साथ। तो उसके रिगार्डिंग हम फ्रेजल वर्ब से इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश कैसे हम उसको कन्वर्स कर सकते हैं, उस स्टोरी को कैसे कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स लर्न टुगेदर। बट बिफोर दैट, आपके मन में कोई ऐसी स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आपको कैसी लगी है वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लाइक्स भी देने हैं। चैनल द राइज ऑफ होप्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर रोज़ नई एडवांस इंग्लिश वोकैब के साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। सो लेट्स लर्न टुगेदर लर्नर्स। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर हम सीखने वाले हैं जिनमें हमने कुछ फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ किया है थ्रू अ स्टोरी, एक स्टोरी के माध्यम से। अब दो दोस्त बैठे हुए हैं उसके घर पर और उनका लॉस हो गया है। तो पहला दोस्त कह रहा है कि तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। उसे लग रहा है कि भाई इसने हमारे साथ धोखा किया है। तो क्या कहते हैं हम कई बार अपने नॉर्मल कम्युनिकेशन में कहते हैं कि अच्छा तुमने अपना असली कलर दिखाई दिया, असली रंग दिखाई दिया। तो इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? यू शोड योर ट्रू कलर्स। शो ट्रू कलर्स इसका मतलब होता है असली रंग दिखाना। आई होप कि आपको अच्छा लगा असली रंग दिखाना। शो योर ट्रू कलर्स इट्स मीन्स तुमने अपना जो सही मुखड़ा वो दिखा दिया, तुमने हमारे साथ धोखा कर ही दिया। मेरे सारे सपने बिखर गए। और कह रहा है कि इस बिजनेस में तो मैंने सारे सपने डाल रखे थे, मेरे सपनों की जान थी इसमें, और ये लॉस होते ही तुम्हारे धोखे की वजह से मेरे सारे सपने बिखर गए। तो हम क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में? वी विल से दैट ऑल माई ड्रीम्स शैटर्ड। सपने बिखर जाना मीन्स आपने जो आपने उम्मीदें की थी वो सारी टूट जाना। तो ऑल माई ड्रीम्स शैटर्ड। चलिए अब वो लॉस कैसे हुआ है कि ये दूसरा फ्रेंड कह रहा है जो पार्टनर है कि भाई वो डाकू ले गए थे, उसको लूट लिया था हमें, इसलिए घाटा हुआ है बिजनेस में। डाकू अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो दूसरा उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब डाकू अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, तुम मुझे धोखे का ब्लेम मत करो। तो इसको हम कैसे कहेंगे डाकू अभी तक पकड़े नहीं गए हैं? द रिकॉर्ड्स आर स्टिल एट लार्ज। स्टिल एट लार्ज मीन्स दे आर फ्री। अभी तक पकड़े ना जाना या फ्री रहना, अब तक आज़ाद रहना, उसको हम बोलेंगे स्टिल एट ए लार्ज। और डाकू को डकैत्स बोलते हैं। लर्नर्स आपने सुना होगा डकैत, हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में ये वही होता है डाकू डकैत। तो इंग्लिश में यही है, इसकी प्रोनंसिएशन इज डकैत, बट आपको थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान देना है। चलो अब ये कह रहे हैं कि मैं लगातार 12 घंटे काम कर रहा हूँ उस पर कि भाई डाकू पकड़े जाएं, तुम मुझ पर धोखे का ब्लेम लगा रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं लगातार 12 घंटे उस पर काम कर रहा हूँ और कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि मैं लगातार 12 घंटे काम कर सकता हूँ इस चीज़ पर कि डाकू पकड़े जाएं, फिर तो तुम्हें ये विश्वास हो जाएगा। तो क्या कहेंगे 12 घंटे काम करना? आई कैन वर्क फॉर 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच, लगातार काम करने को हम क्या कहते हैं? एट अ स्ट्रेच, बिना रुके जब काम करते हैं, एट अ स्ट्रेच। तो मैं काम कर सकता हूँ, आई कैन वर्क फॉर 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच। अब वो तीसरे के बारे में बात कह रहा है कि भाई साहब तो आप तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, लॉस तो हो ही गया ना, अब 12 घंटे काम करो, 24 घंटे काम करो। उसका कठिनता से निर्वाह होता है। जो हमारा तीसरा पार्टनर है वो भी बड़ा गरीब है, उसका कठिनता से निर्वाह, निर्वाह होना आजीविका चलाना। तो हम इसको क्या कहेंगे? कठिन निर्वाह होना, मुश्किल से ज़िंदगी चलना, उसको कहते हैं हैंड टू माउथ। तो हम क्या कहेंगे? ही लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ मीन्स कठिनता से, ज़िंदगी का कठिन हो जाना, सर्वाइवल मुश्किल हो जाना। चलो मुझे इस बात का पता लग गया है। दूसरा कह रहा है कि भाई इसको अभी मुझे पता चल गया है कि उसकी बड़ी गरीबी में जीवन बीत रहा है और उसके लिए बड़ी समस्याएं हैं, तो इसका भी मुझे पता है, तुम मुझे धोखे के लिए ब्लेम मत करो, मुझे इस बात का पता लग गया है। अगर हम इसे को कहना और हमें फ्रेजल वर्ब यूज़ करनी हो तो हम क्या करेंगे? आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर। आई गॉट विंड, ये हमारी फ्रेजल वर्ब है, आपका idiom है जो आप यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को मच बेटर बना सकते हैं। मज़ा आ रहा है लर्नर्स? वेरी गुड।
तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। दूसरे को गुस्सा आ गया, भाई ऐसा है कि तू दो बेवजह की बातें कर रहा है, ठीक है, अब तू ऐसा कर, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये लॉस में गया सो गया, अब तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अगर हमें ये कहना है लर्नर्स, तो हम क्या कहेंगे? वी विल से दैट लेट्स पार्ट वेज, लेट्स पार्ट वेज, अपने रास्ते अलग कर लेना, लेट्स पार्ट वेज। वेरी गुड। नेक्स्ट, हमें पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब वो दूसरे वाला आ जाता है, अब वो तो उन्होंने तो अपने रास्ते अलग कर लिए, तो तीसरा जिसका कठिनता से निर्वाह होता है वो पहले वाले के पास आ जाता है, जो और वो दोनों उसकी बुराई करने लग जाते हैं कि भाई उसने हमें धोखे में रखा और हमारा बिजनेस में लॉस हो गया। तो अब उनके घर में उसके फादर थे, वो उनको सजेस्ट करने लगे कि भाई ऐसा है कि किसी की बुराई नहीं करते पीठ पीछे, जो तुमने कहना था उसके सामने कह लिया, वो चला गया, तुमने कहा तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊँ, अब उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पीठ पीछे बुराई करने को क्या कहेंगे लर्नर्स? हमें पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट बैड माउथ। हैंड टू माउथ होता है कठिनता से निर्वाह करना, और बैड माउथ होता है पीठ पीछे किसी की बुराई करना। वी शुड नॉट बैड माउथ एनी वन। हमें किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा कह रहा है कि भाई साहब मेरे तो दीवार से देखो पेंट भी उतरने लगा, मेरी दीवारों का पेंट भी ख़राब होने लगा है। अब मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि घर को रिनोवेट ही कर लूँ, लॉस हो गया ना बिजनेस में, तो ये क्या कह सकते हैं? पेंट उतरने लगा को हम क्या कह सकते हैं लर्नर्स? वी कैन से दैट पेंट इज कमिंग ऑफ द वॉल। दीवारों से पेंट उतरने लगा, कमिंग ऑफ, ओ डबल एफ। इंटरेस्टिंग है ना स्टोरी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी कोई स्टोरी है आपके पास या इससे रिलेटेड कोई ऐसी फ्रेजल वर्ब को यूज़ करके कोई नॉर्मल कम्युनिकेशन डेली वेकैब का कोई सेंटेंस है तो आप ज़रूर लिखिएगा। मजदूरों ने घर की पेंटिंग में कोताही बरती, और दूसरा कह रहा है कि भाई मेरी तो दीवारों का पेंट भी उतरने लगा है, दोबारा भी नहीं करवा सकता। प्रॉब्लम ये थी कि जो मजदूर थे उन्होंने प्रॉपर पेंट नहीं किया, उन्होंने कोताही बरती, केयरलेस की, ठीक है, देखो केयरलेस हो गए। तो इसको मजदूरों ने घर की को पेंटिंग में कोताही बरती, इसको हम कैसे कहेंगे लर्नर्स? किस फ्रेज से कहेंगे? द लेबरर्स कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मीन्स कोताही बरतना, केयरलेस हो जाना। ओके, द लेबरर्स कट कॉर्नर्स वाइल पेंटिंग आर हाउस। हमारे घर की पेंटिंग करते वक्त मजदूरों ने क्या कर दिया? कोताही बरती, सावधानी नहीं रखी। आई होप लर्नर्स कि आपको आज ये स्टोरी के थ्रू इंग्लिश वकैब सीखना, फ्रेजल वर्ब सीखना, ये स्ट्रक्चर सीखना बहुत अच्छा लगा है, और इसी बात पर बहुत सारे लाइक्स बनते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद द राइज ऑफ हॉप्स। वी विल ब्रिंग समथिंग न्यू अगेन फॉर यू ऑल, सो दैट वी कैन डेवलप, वी कैन मेक आवर लैंग्वेज मच बेटर। थैंक यू सो मच।